तो चल रही है आजकल एक अजीब सी फोन रेस, या कह सकते हैं हम बजट फोन रेस। और इस बजट फोन रेस में मोटोरोला ने कम्पीट करने के लिए रिलीज किया है अपना नया फोन G8 Power Lite। लेकिन क्या ये G8 Power Lite कम्पीट करने के लायक है? देखिए ये पूरा वीडियो ताकि हम आपको बता सके कि क्या ये G8 Power Lite खरीदने के लायक है या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पराग दास, आप देख रहे हैं टेक प्लेस। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। अगर हम बात करें इस फोन की बिल्ड क्वालिटी की, तो इस फोन की जो बॉडी है वो है एक पॉलीकार्बोनेट बॉडी, या हम कह सकते हैं प्लास्टिक बॉडी। और इसका एक डिफेक्ट है, क्योंकि जो फ्रंट में आप देखेंगे इसका जो चिन है वो स्लाइटली बड़ा है, जो मैं कहूँगा एक नेगेटिव पॉइंट बनेगा मोटोरोला के लिए। और इसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो जैसे नॉर्मल बाकी मोटोरोला के फोन्स में होता है, फोन के पीछे विथ मोटोरोला की ब्रांडिंग। जो इसमें कलर कॉम्बिनेशन है वो दो प्रकार के हैं, एक आपको मिल जाएगा रॉयल ब्लू में और एक मिल जाएगा आर्कटिक ब्लू में। और इसका जो कैमरा मॉड्यूल है वो है ट्रिपल कैमरा सेटअप, जो आपको फोन के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में देखने को मिल जाएगा। और जो इसकी डिजाइन है वो आप कह सकते हैं कि स्लाइटली वाटर रिपेलेंट है, जो नॉर्मल फोन्स में होता है, जो छोटे मोटे स्प्लैशेस या लाइट रेन को रेजिस्ट करेगा और आपके फ़ोन को बचाए रखेगा। लेकिन इस फोन को लेकर आप स्विमिंग के लिए नहीं जा सकते, तो प्लीज़ इस फोन को लेकर स्विमिंग के लिए मत जाइए। तो अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। तो गाइस अगर बात करें इसके डिस्प्ले की, तो आपको मिल जाता है एक 6.5 इंच का HD+ LCD डिस्प्ले, जिसकी अगर मैं बात करूँ रेजोल्यूशन की तो वो है 720x1600। और इसका जो PPI है, PPI का मतलब है पार्टिकल पर इंच, उसकी डेंसिटी है 269, जो इस प्राइस पॉइंट पे काफ़ी एवरेज है। और इसका जो स्क्रीन का रिफ्रेश रेट है वो है 60Hz का, जो फिर से मैं कहूँगा इस प्राइस पॉइंट पे काफ़ी नॉर्मल है, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको इस प्राइस पॉइंट पे कुछ मिलेगा नहीं। तो अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर की। तो दोस्तों अगर हम बात करें इसके प्रोसेसर की, तो आपको इसमें मिल जाता है MediaTek का हीलियो P35 ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जो इस ज़माने में मैं कहूँगा कि काफ़ी आउटडेटेड है, क्योंकि जो MediaTek का P35 है वो बहुत ही पुराना है। और जैसे मैंने कहा था कि इसमें ऑक्टा कोर है, ऑक्टा कोर में जो सारे 8 के 8 कोर्स हैं वो है कॉर्टेक्स A53। अब अगर मैं इसको सिंपल भाषा में कहूँ तो कॉर्टेक्स A53 काफ़ी पुराने कोर्स हैं, जो आपके फ़ोन को काफ़ी स्लो बना सकते हैं। और इसमें मैं दो नेगेटिव एस्पेक्ट्स निकालना चाहूँगा कि अगर आप इस फोन का बेंचमार्क चेक करेंगे तो आपको मिलेगा वो 70-80,000 के आसपास, और इस प्राइस पॉइंट पे आपको इससे अच्छे बेंचमार्क वाले फोन्स मिलेंगे। जैसे आप वीवो का U10 ले सकते हैं, जिसका बेंचमार्क शायद से 1,20,000 से 1,50,000 के आसपास है। और जो ये हीलियस का P35 प्रोसेसर है, ये काफ़ी ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता है, लेकिन मोटोरोला ने उस प्रॉब्लम को भी एक अलग टेक्निक से काउंटर किया है, जो मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके कैमरा की। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं इसके कैमरा की, तो इसमें आपको मिल जाता है फ्रंट में एक 8 मेगापिक्सल का कैमरा, जिसका अपर्चर है 2.0, और आपको बैक में मिल जाता है ट्रिपल कैमरा, जिसमें मेन कैमरा है 16 मेगापिक्सल का, जो है सैमसंग का, और इसका अपर्चर है 2.2 का। और आपको मिल जाता है एक मैक्रो लेंस, जिसका अपर्चर है 2.4 का, और एक डेप्थ सेंसर जिसका अपर्चर 2.4 है। और अगर मैं बात करूँ इस प्राइस पॉइंट पे, तो ये भी एक एवरेज कैमरा होगा, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे आपको इससे अच्छे डुअल कैमरास मिल जाएंगे कंपेयर्ड टू ये। लेकिन अभी मैं कुछ अजम्पशंस नहीं बनाना चाहता, क्योंकि ये फोन अभी इन हैंड किसी ने यूज नहीं किया है। तो अब बात करते हैं इसके सॉफ्टवेयर और बैटरी के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इसके बैटरी की, तो आपको इसमें मिल जाता है 5000 mAh का बैटरी, जो इस प्राइस पॉइंट पे काफ़ी अच्छा है। और आपको मिल जाता है इसमें एक माइक्रो USB का चार्जर,
और एक 10 वॉट का फास्ट चार्जर। लेकिन मैं कहूँगा कि ये 10 वॉट का फास्ट चार्जर नहीं है, क्योंकि 10 वॉट इज लाइक नॉर्मल, और आपको इस प्राइस पॉइंट पे काफ़ी और अच्छे फोन्स में और अच्छे फास्ट चार्जर्स मिल जाते हैं। जैसे मैंने पहले कहा था, वीवो का U10 या फिर Redmi 8। तो मैं कहूँगा कि मोटोरोला ने इस फोन में एक फास्ट चार्जर प्रोवाइड नहीं करके काफ़ी एक ऐसा काम कर दिया है जो इनके फोन को एक पीछे ड्रॉबैक में लेके जाता है। और गाइस, अगर मैं बात करूँ इस फोन के सॉफ्टवेयर की, तो ये फोन आता है आपके पास एंड्रॉयड 9 पाई के साथ। और जैसे कि मोटोरोला अपने बाकी फोन्स में यूज करता है कि इसमें स्टॉक एंड्रॉयड मिलेगा, और स्टॉक एंड्रॉयड की ये प्रॉब्लम है कि उसमें कुछ फीचर्स नहीं अवेलेबल होते हैं, जैसे MIUI में होता है या ColorOS में होता है। तो गाइस, अब बात करते हैं मेरे पर्सपेक्टिव के बारे में कि मुझे ये फोन कैसा लगा। तो गाइस, अगर मैं बात करूँ इस फोन की, तो मुझे ये स्लाइटली ओवरप्राइस लगा, क्योंकि इस फोन का प्राइस रेंज जो है वो 8000 टू 10000 के बीच में है। और अगर मोटोरोला इस फोन को शायद 7500 या 7000 में सेल करता, तो ये काफ़ी रीजनेबल प्राइस होता, क्योंकि इसका जो एक परफॉर्मेंस होगा वो एक मेजर इशू होगा। जैसे मैंने कहा कि हीलियोस का P35 जो प्रोसेसर है वो एक बहुत ही पुराना प्रोसेसर है, जो अफेक्ट करेगा आपके फ़ोन के परफॉर्मेंस को, क्योंकि इसका ISP अच्छा नहीं है, और इसका जो कैमरा हैंडलिंग का जो मामला है वो भी एक मेजर इशू हो सकता है कि कभी कभी आपका कैमरा हैंग कर जाएगा। तो इन्होंने जो ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया है, उस मुझे नहीं लगता कि उसको हैंडल करने के लिए P35 एक अच्छी चॉइस थी। और जो P35 है उसमें आपको एक कॉन्स्टेंट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम होगी या नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। तो मैं इस फोन को तो किसी अच्छे गेमिंग के लिए या कुछ अच्छे चीज़ के लिए जिसमें अच्छा अमाउंट ऑफ इंटरनेट लगता हो और प्रोसेसिंग स्पीड अच्छी हो, उसके लिए मैं तो ये बिल्कुल फ़ोन रिकमेंड नहीं करूँगा। इस प्राइस पॉइंट पे आपको इससे अच्छे फ़ोन्स मिलेंगे जिसमें आप ये सब कर सकते हो, जैसे वीवो का U10 या रेडमी का 8। तो गाइस, एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इस फ़ोन को किसी नॉर्मल यूज़ के लिए ले रहे हैं, जैसे सिर्फ यूट्यूब देखना या सोशल मीडिया यूज़ करना, तो ये फ़ोन आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन अगर आप गेमिंग में जाना चाहते हैं, जैसे कि आप PUBG खेलना चाहते हैं या कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, तो ये फ़ोन उस चीज़ के लिए बिल्कुल नहीं बना है गाइस। अगर आपको इससे अच्छा फ़ोन लेना है इस प्राइस पॉइंट पे, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप और 2-3000 ऐड करके वीवो का U10 या रेडमी का 8 या और कोई अच्छे फ़ोन्स ले सकते हैं। मोटोरोला का भी एक और फ़ोन है इसी प्राइस रेंज में, शायद से वो Moto 1, मोटो पावर वन ऐसा कुछ था, पता नहीं, मैं आपको बता दूंगा बाद में। तो आप वो खरीद सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक फ़ोन ले रहे हैं तो आप चाहेंगे कि उसमें हर एक एक चीज़ अच्छी हो, बजाय कि कनेक्टिविटी इश्यूज हो या परफॉर्मेंस में कुछ प्रॉब्लम हो वगैरह वगैरह। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको और टेक वीडियोस के साथ अपडेट कर सकूं। और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।